हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम एंड इन दिस ब्रीफ सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज थीम्स वी विल बी टेकिंग अप वेरिड थीम्स व्हिच वी बिलीव आर एवर रेलेवेंट एज फार एज एग्जामिनेशन एंड इट्स अप्रोच इज कंसर्न. इट इज अ मीनिंगफुल एक्सरसाइज व्हिच कैन हेल्प यू टू हैव वैल्यू एडिशन इन योर प्रिपरेशन एंड व्हिच कैन मेक यू थिंक फास्टर एंड मे बी हेल्पिंग यू टू हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेज टू बी सेटिस्फाइड जब आप एग्जाम देते हैं या जब आप प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. तो स्टार्टिंग विद नो वेरी रिलेवेंट पॉइंट, औशिक, कैन यू टेल मी फाइव फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज? सर, फाइव फाउंडेशनल वैल्यूज़। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, देन ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज वेल एज टू द पब्लिक, एंड फिफ्थ विल बी ईज ऑफ एक्सेस एंड एक्सेसिबल टू द पब्लिक। ओके, करुणा, मानसी, एनीवन वुड लाइक टू ऐड, या सचिन? सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी एंड बीइंग अ गुड लिसनर. तो ठीक है, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स. आई थिंक आई बिलीव वी हैव टेकन अप द की पॉइंट, सो दैट्स फाइन. फाउंडेशन वैल्यूज आर वेरी मच इंटीग्रल. वी कैन पुट द थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, हम डिफरेंट तरीके से इसको देख सकते हैं, बट देन डेफिनेटली ऑन द सर्फेस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. The second point comes up Pragati 2024, that is farmer research in Ayurgyan and techno innovation. अगर ये एक थीम है, अगर ये एक एक तरीके का प्रोजेक्ट है, एक तरीके का एग्जिबिट है, एक तरीके का सेमिनार है, एक तरीके का हम कह सकते हैं ये एक तरीके का कन्वेंशन है, मतलब कॉन्फ्रेंस है. सो प्रगति 2024, दैट इज फार्मर रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन. तो आशिक, इसमें एक पॉइंट आप क्या बोलेंगे? सो इसमें जो वी आर फोकसिंग मच ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज विथ रिगार्डिंग द सीड कंजर्वेशन एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फार्मर्स एंड हाउ इट कैन बी प्रमोटेड सो दैट वी कैन सॉल्व द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी एज वेल एज वाटर चैलेंजेस, ग्राउंड वाटर चैलेंजेस. तो की कंस एंड ऑल्सो हाउ टू टैकल क्लाइमेट चेंज. तो ऑल दीज एस्पेक्ट आई थिंक विल बी would have been discussed in Technova. अहिल्या बाई होलकर हमारी हिस्ट्री में क्यों सिग्निफिकेंट है? सी इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रिसर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, सी इनिशिएटेड टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज एज वेल एज इन ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड अदर्स. दैट इज वाई सी इज इम्पोर्टेंट. ओके, अहिल्या भाई होलकर को आप, अगर हम बात करें इंडियन कल्चर, इंडियन फेमिनिज्म, तो आप किस पर्सपेक्टिव में उनको देखेंगे? यस, सी वॉज अ इंडिपेंडेंट थिंकर, इनोवेटर, एंड एज वेल एज शी हैड द क्रिएटिविटी हाउ टू कनेक्ट द सोसाइटी विद द भक्ति मूवमेंट एज वेल एज हाउ टू वीव द प्रेजेंट दैट टाइम कल्चर अराउंड द कल्चर रेनेशा. दैट इज वी कैन कनेक्ट विद दैट रिगार्डिंग द सबाल्टर्न नेशनलिज्म एंड एज इमैनुअल वेल एज. कांत के जो अभी वॉर हमारे चारों तरफ चल रहे हैं, उन वॉर्स के अंदर आप क्या लेसन देना चाहेंगे? व्हाट लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम इमैनुअल कांत? So we can talk about just war, as we talk about the just war theory, that it has like two aspects, whether we should enter a war or not, and the restraint that should be exercised. सर, That can be. बोलिए. सेन थ्योरी ऑफ परपेचुअल पीस, इमानुअल कैन डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ कैन इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट वॉर्स. फॉर एग्जाम्पल, हिज फाउंडेशन वेयर यूज टू इस्टेब्लिश लीग ऑफ नेशन 1919 एंड इवन यूएनओ. तो यूएनओ रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सो दैट वॉर शुड नॉट टेक प्लेस. डिप्लोमेसी शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस. ओके, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन
इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के क्या डिफरेंट डायमेंशंस होने चाहिए, प्लीज शेयर इन यू नो वेरी वेरी मतलब स्मार्ट मैनर। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पहली बात क्या होती है और क्यों चाहिए, एंड देन कैन फोकस ऑन व्हाट शुड बी द पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन यस सर, सो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इज बेसिक डॉक्यूमेंट दैट डॉक्यूमेंट्स दैट डील्स विद द बेसिक एस्पेक्ट, वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ होल नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया विद रिगार्डिंग टू एवरी अदर पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इट विल इंक्लूड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, इवन डेमोग्राफिक डिविडेंड, एज वेल एज बॉर्डर to डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। सर, टू मोर एलिमेंट्स, अर्बन वॉरफेयर एंड दी साइबर स्पेस। यस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट जो इंडिया का, यानी डेवलप्ड इंडिया की हम बात करते हैं, उससे कैसे लिंक्ड है? यस सर, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिशेस प्रोटोकॉल मेजर्स दैट कैन बी टेकन अप बाय द अर्बन बॉडीज एज वेल एज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द की इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ BMD टू कवर दिल्ली, इट कैन बी पार्ट ऑफ नेशनल डॉक्ट्रिन। एट द सेम टाइम साइबर स्पेस, साइबर डोम एंड ऑल्सो वाटर सिक्योरिटी, वाटर मैपिंग एंड टू टैकल हीट डोम एक्सेट्रा, एवरीथिंग। जीरो डेब्रिस चार्टर, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कुछ? जीरो डेब्रिस चार्टर, सर आई वुड लाइक टू टेक अ गेस इन दिस जीरो डेब्रिस। सो आई थिंक इट इज रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस डेब्रिस। जीरो डेब्रिस चार्टर्स टॉक्स अबाउट एवरी अदर स्पेस एजेंसी शुड बी वेरी अकाउंटेबल एंड दे शुड प्रमोट जीरो डेब्रिस इन स्पेस एंड हाउ, फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ रियूजेबल व्हीकल। एट द सेम टाइम व्हीकल शुड कंसिस्ट ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल दैट कैन बी बर्न कम्प्लीटली रादर देन लिविंग सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट इन एनवायरमेंट। ओके। प्लूटोनियम आइसोटोप, यस सर, सर रिगार्डिंग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यूरेनियम इज यूज फॉर द फर्स्ट स्टेज एंड द बाई प्रोडक्ट ऑफ द यूरेनियम इज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम इज यूज फॉर द सेकेंड स्टेज फास्ट ब्रीड रिएक्टर एंड इट इज टू टाइप्स, वेपन्स ग्रेड एज वेल एज एनर्जी ग्रेड प्लूटोनियम। स्पेस एक्स स्टारशिप, स्पेस एक्स स्टारशिप क्या कर रहा है ऐसा जो रिवोल्यूशनरी है? सर स्पेस एक्स स्टारशिप इज फोकसिंग ऑन थ्री एस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस टूरिज्म, सेकेंड यूज ऑफ रीयूजेबल रॉकेट सो दैट द स्पेस कैन बी यूज इन अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी अफोर्डेबल मैनर, एंड थर्ड वुड बी ह्यूमन हैबिटेट, इस्टेब्लिशिंग ह्यूमन हैबिटेट इन मून एज वेल इन मार्स। तो रिसेंट स्पेस व्हीकल इट दे हैव सेंट दैट इज नो स्टार लिंक, नहीं स्टार लाइनर, इट्स नॉट स्टार। We have to understand, you know, space travel. We have to understand जो recreational travel है space का, वो भी एक देखना पड़ेगा हमें। That has also been news and it is very exciting. And habitation की जो हम बात करते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। What is compressed biogas? पार्डन सर, Compressed biogas. यस यस सर, बायोगैस, इट इज एलिमेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस इज अ डिस्पोजल ऑफ एवरी ऑर्गेनिक मटेरियल विच जेनरेट्स मीथेन इन लार्ज अमाउंट। व्हेन इट इज कंप्रेस्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर, इट इज कंप्रेस्ड बायोगैस। इट इज मोर क्लीनर, मोर अफोर्डेबल एंड इट इज ऑल्टरनेटिव टू द नेचुरल गैस एज वेल एज LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वीरूपक्ष टेम्पल एट हम्पी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर? यस सर, सर विरूपक्ष टेम्पल इज द एपिटोम ऑफ विजयनगर सिविलाइजेशन, विजयनगर एम्पायर
and it is present near to the bank of Hampi, near to bank of Which Tungabhadra River, and yes sir, and around the Virupaksha temple, it also had element of vaishnavism, savism. It also had Mahanivad Dibba, as at the same time intrinsic carving is also there, and use of market spaces is also there. It showcases socio political economic culture during that time. अगर लैंसेट की स्टडी ये बताती है मानसी दैट वुमेन ऑफन आउटलिव मेल या वुमेन ऑफन आउटलिव मेन बट विद पुअर हेल्थ, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो कंक्लूजन कैन बी दैट वी नीड टू फोकस अगेन फर्स्टली ऑन द वुमेन हेल्थ. सो इन दैट केस वी कैन टॉक अबाउट इंक्रीजिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर. एज वी टॉक अबाउट ओल्ड एज केयर में, जेरेट्रिक हेल्थ केयर में हम फोकस कर सकते हैं, और एज अ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी. एंड पर्टिकुलरली जो हम डिजीजेस देखते हैं ड्यूरिंग द ओल्ड एज इन वुमेन रिलेटेड टू लाइक सर्वाइकल कैंसर होता है या ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वी कैन फोकस अपॉन द वैक्सीनेशन ड्राइव. दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ अगेन द यूआईपी आल्सो. ओके कौशिक, हीट वेव्स प्रश्न उठाता है. हीट वेव्स को क्या हम नेचुरल, मतलब एक नोटिफाइड डिजास्टर के तौर पे हम उसे नोटिफाई कर सकते हैं? हीट वेव्स को क्या हमें डिजास्टर करना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट? So heat waves should be considered as national disaster because it is abnormal heating of the region by 4 to 6 degree according to IMD, and it affects everything around you, around the society. For example, it affects the food security as well as water table, groundwater, and as well as the psychological pressure and health of human. That is why it should be considered. And currently, heat action plan is being formulated for each state and as well as district. What kind of structural shift are we witnessing in case of formal employment? So in case of formal employment, we are moving towards, first of all, manufacturing-based economy in India. Use of PLA and other scheme, and the same second thing would be self-employment. For example, creation of the more business and self-employed people, contractual thing. Apart from the established service sector in India, these two are more important. State of Ocean report UNESCO ki. In the recent report, what is being the highlights? State of Ocean reports, State of Ocean report, I should say. Yes, sir. So recent highlight of State of Ocean report is talking about rise of sea level every year by 1 to 1.5 centimeter every year due to the melting of glacier as well as Antarctic ice sheet and climate change. So ocean acidification. At the same time, there has been increase of oxygen depletion zone in certain areas. That is anoxic zone that is causing coral bleaching as well as marine pollution. And also, last thing, sir, it is also impacting the coastal life as well as the small community that is present in the Pacific region. Then Hawaii and as well as in the Caribbean region, it is impacting them. They are becoming more vulnerable due to climate change. And also, sir, they are talking about blue carbon. और ये बताइए कि हमारे रूरल इंडिया में क्या टीचर्स को या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को अपने फार्म को एक टाइनी फॉरेस्ट के तौर पे कन्वर्ट करना चाहिए? यस सर, इफ द फार्मर्स इज इंगेजिंग इन क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फॉरेस्ट, दैट इज टाइनी फॉरेस्ट,
which will include social forestry. For example, if they are using mixed cropping, multiple cropping, if they are using certain kind of a strands of wood, such as khajur plantation, as well as palm oil, palm, at the same time coconut, etc. on the same plantation, apart from legumes, pulses, then I think whole remuneration of prices will increase and farmer will get better income from that. And at the same time, soil productivity will also increase. What do you think the National Institute of High Security Animal Diseases? National Institute of High Security Animal Diseases, and where it is or what is it for? So I would like to take a guess where it is. I think it is in UP. No. No. Okay. So it can be in Pune. No, that is Institute of Virology. Virology, but so National South Institute. India. Haryana. It is in Bhopal. Bhopal. Okay. Bhopal. So National Institute of जो आपने बताया विद रिगार्डिंग टू आई थिंक इट विल टॉक अबाउट जूनोडर क्या बताया सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज हाई सिक्योरिटी एनिमल हाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी एनिमल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इट हैज बीन न्यूज़ सिंस कोविड टाइम यू मस्ट नो अबाउट इट अगर औषिक मैं बात करूं कि एक्सेसिव रेनफॉल के कारण जो इंडिया में एक्सेसिव रेनफॉल के कारण जो टोबैको प्लांटेशन है बहुत इम्पैक्ट हुई और होता क्या है कि एक्सेसिव रेनफॉल के कारण जो है वो जो रूट्स हैं उनका कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद उनकी मैच्योरिटी थोड़ी अर्ली हो जाती है और इवन जो स्मॉल स्मॉल प्लांटेशंस हैं स्मॉल स्मॉल प्लांटेशंस हैं नर्सरी की जो प्लांटेशंस हैं वो भी वॉश अवे हो जाते हैं तो ऐसे केस में आप पहले तो बताइए किस रीजन में इंडिया में टोबैको की मैं बात कर रहा हूँ और क्या टोबैको एमएसपी में आता है और दूसरा टोबैको ग्रोअर्स के लिए फिर क्या वे फॉरवर्ड है फार्मर्स के लिए यस सर सो इन इंडिया टोबैको इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र दैट रीजन एंड इट इज एसोसिएटेड गुजरात एंड दैट रीजन So we have to go deep south. Karnataka is very important region for that matter. Parts of South Karnataka, Mysuru, and I don't remember other. But then Karnataka plays a very important role. A part of Karnataka, Andhra also plays a very important role. So there is there. So, आप क्या suggest करेंगे औषिक? उनके interest को protect करने के लिए आप किसको suggest करेंगे? क्या होना चाहिए? So first of all, institution measures such as tobacco board that can be roped in. With regarding that, and second would be ki if tobacco plantation can use also GM crop so that it can be water resistant. GM crop use करेंगे तो पूरा taste चला जाएगा वो जो Virginia tobacco होता है फिर उसका तो पूरा मजा ही खत्म कर देंगे climate resilient crop promote कर सकते हैं at the same time. Okay. दूसरा औषिक आप बताइए कि गुजरात गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक 45% 30% एंड उसमें या तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ बिगर पिक्चर मुझे ये भी बताइए अगर मान लो इंडिया ने अभी पार बॉयल राइस और बाकी राइस का अभी एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है डू यू नो दैट पार बॉयल यस तो इंडिया अभी कौन सा राइस एक्सपोर्ट कर सकता है साइड इंडिया एक्सपोर्ट्स बासमती राइस पारमिक राइस भी ऑर्गेनिक राइस ब्रोकन राइस ब्रोकन राइस पैराबोर्ड राइस इज नॉट एक्सपोर्टेड मच बिकॉज इट इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द फूड सिक्योरिटी वेयर एज बासमती राइस इट इज मोस्टली क्रेटरिंग टू द हाई वैल्यू प्रोडक्ट हाई वैल्यू कैश क्रॉप लेकिन आपका वो भी तो है ना मैं व्हाट आई एम सेइंग इज ऑर्गेनिक राइस तो है ऑर्गेनिक राइस तो बिकेन ऑर्गेनिक राइस आल्सो फ्रॉम एक्सपोर्टेड बिकॉज इट इज अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट व्हिच इज द अथॉरिटी व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स जो सर्टिफिकेट्स हैं दैट दिस राइस इज एक्चुअली ऑर्गेनिक एंड सो फोर्थ तो कौन देगा वो कैसे होगा वो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए सो
सो अपेडा, वेरी गुड, अपेडा ही देगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो माय कंसर्न हियर इज दैट इफ देयर हैज बीन इन न्यूज की जो ऑर्गेनिक राइस है, क्या आशिक ऑर्गेनिक राइस जो कि प्रीमियम राइस है वो ज्यादा अफ्रीका, वियतनाम और ऐसे मार्केट्स में जाएगा कि ज्यादा यूएस और यूरोप में जाना चाहिए? सो ऑर्गेनिक राइस विल क्रेटर टू मोस्टली टू द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक बात है, बिकॉज दैट इज हाउ यू नो द चेन। अगर आप मान लो पिछले साल के मुकाबले में इस साल देखेंगे तो जो उसका लेवल है बहुत हाई है वो, मतलब एक्सपोर्ट का लेवल, बट द कंट्रीज आर वेरी मच डिफरेंट बिकॉज ऑर्गेनिक राइस एज सच मस्ट बी एक्सपोर्टेड टू वेस्टर्न वर्ल्ड मोर, बट देन the data shows that it is being sent to Vietnam and rest of the other countries, so there must be certain kind of you know deviancy which administration must see. So I was just trying to make you aware of how things यस सर, happen. The green school quality standard, green school quality standard क्या है और क्या करेंगे? ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड विल असेस द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, वेदर इट इज सपोर्टिंग द क्लाइमेट रेजिलियंस स्टैंडर्ड और नॉट। एट द सेम टाइम इट इज फोकसिंग मच ऑन ई एस डी नॉर्म्स और नॉट, वो ग्रीन स्कूल हो सकता है। से इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी रेडी। इम्पार्टिंग एजुकेशन सर एरियाज विच आर रिलेटेड टू अगेन रेन्यूएबल एनर्जी एंड लाइक ग्रीन सेक्टर, रेन्यूएबल सेक्टर. कौन सी कंट्री ऑस्ट्रिक वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जो आप कहते हो कि जहां पर सारे के सारे स्पीसीज है जो फ्लोरा एंड फौना के उन सबको डॉक्यूमेंट किया जाएगा? विच कंट्री इज दैट फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो? कोलंबिया। कोलंबिया. ओके, एनी अदर पर्सन वॉन्ट टू मेक ए गेस? कोलंबिया बड़ा, मतलब कोलंबिया ड्रग कार्टेल के लिए जाना जाता है, एस्कोबार और न्यूज वो सब होते हैं वहाँ, में आया था विद मतलब रिगार्डिंग टू इंडियाज रिलेशनशिप विद कोलंबिया ऑन मैटर ऑफ एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड। तो उसमें कैसे प्रमोट करना चाहिए स्पीसीज को जून में, तो मतलब बिल्कुल आपने सही कहा, जून में आया होगा. और कोई आंसर कोई देना चाहता है? नहीं सर. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू, इंडिया। और इंडिया ने इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से, और पिछले 2 साल से उसके ऊपर काम हो रहा था. द फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट करके है, हम भी देख सकते हैं उसमें आपका 1 लाख एनिमल स्पीसीज की बात की गई है. तो आप पहले ना, मतलब एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से आप अपने यहाँ का सोचना चाहिए रादर देन यू नो कहीं और भागे. चलिए आप बाहर ही भाग रहे हैं, आप कोलंबिया भाग ही गए हो, तो मुझे बताइए हरिकेन बेरिल कहाँ आया था? हरिकेन बेल, हरिकेन हाँ, हरिकेन बेरिल आया था इट विल उस बी समय हरिकेन जो है. हाँ हाँ है तो इट विल बी इन नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका। नहीं, उस समय जब वो हरिकेन आया था तो एक कोई वर्ल्ड इवेंट हो रहा था, इस कारण से इस हरिकेन की बात भी हुई थी, और वो जो इवेंट था उसमें इंडिया भी था, और इंडिया जो है फिर वो जो इंडिया के जो मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे वो फंस भी गए थे थोड़ा सा, और वो लेट भी आए थे. हाँ सर, कैरेबियन रीजन में वहाँ पर आया था सर, T20 राइट, था। बिल्कुल. ग्रेनाडीज, ग्रेनाडा एंड सेंट लुसिया में ये हरिकेन बेरिल आया था. जी तो ऐसे देखना आप जी लोग, मतलब जबरदस्ती बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के तो कैसे काम चलेगा है? बताइए. स्ट्रोमाटोलाइट्स क्या होता है आशिक जी? स्ट्रोमाटोलाइट्स करो नो आइडिया सर। ना सर. स्ट्रोमा तो हमने पढ़ा है इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. कोई नहीं, स्ट्रोमाटोलाइट्स भी देखिए और उसके बाद अगले सेशन में फिर आप उसको लेके आइए जी स्ट्रोमाटोलाइट्स. कौशिक जी ये बताइए, प्लांट अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर,
क्या उनकी क्लैरिटी इतनी है कि इंडिया के डाइवर्स और अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचा सकें? प्लान्ड अफॉरेस्टेशन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, एक्सपर्ट्स को क्या कंसर्न है उसके लिए? प्लान्ड अफॉरेस्टेशन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यस, में एक्सपर्ट्स के कंसर्न क्या है? एक्सपर्ट्स हैव सेवरल कंसर्न रिगार्डिंग प्लान एफोरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्लांटेशन दैट इज बिंग इन्फोर्स या यूज बाय द कंपनीज, इफ इट इज इंक्लूडिंग लोकल नेटिव स्पीसीज और नॉट, फर्स्ट थिंग इट. सही एंड बात है। सेकेंड वुड बी इफ द ट्राइबल, इफ देर आर डिफॉरेस्टेशन, देन द लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल गेट्स रिमूव, एंड इफ दे हैव बीन रिहेबिलिटेड और नॉट, सेकेंड कंसर्न. And third would be if there would be instance of green washing by the companies to showcase land. And fourth will be if we are focusing much on afforestation, it is a very firefighting mechanism. How to reduce deforestation is a first time. So ये चार. सर, वन मोर वुड बी दैट मॉनिटरिंग ऑफ द एफॉरेस्टेड रीजन, क्योंकि फ्लो करके और प्लांट्स डिग्रेडेशन कैसे करेंगे वो नहीं हो पाता, डबल काउंटिंग दिखेंगे, कंप्लायंस ठीक से नहीं होगा, तो इसलिए फॉरेस्ट राइट हम कह सकते हैं और रिस्क के ऊपर है. तो औशिक, अगर मैं बात करूं, अगर आप गुजरात में ही, जैसे अभी आप गए थे थोड़ी देर पहले, तो अगर मैं बात करूं कि अगर इकोसिस्टम के सस्टेनेंस के लिए, तो अगर एक लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की बात करेंगे हम, तो किस रिवर को आप जोड़ोगे, किस रिवर के लैंडस्केप रिस्टोरेशन की बात आप गुजरात में कर सकते हो? गुजरात हो गया या मध्य प्रदेश का पार्ट भी उससे जुड़ जाएगा, बताइए. सर, रिवर लूनी हो सकता है और साबरमती. लूनी, साबरमती. और मतलब साबरमती आपने मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा समझ दिया. नहीं, नहीं सर. नर्मदा वेरी गुड, नर्मदा. तो नर्मदा रिवर की अगर मैं बात करूं कि नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन अगर हुआ है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या होगा? वाटरशेड मैनेजमेंट होगा, यस सर. बायो पेस्टिसाइड का यूज होगा, बायो पेस्टिसाइड्स बायो पेस्टिसाइड इट कैन का यूज बी, होगा कि नहीं हाँ होगा, सर, हाँ सर, और जो डैम्स होंगे वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चेक डैम्स रहेंगे सर, लोकल ट्राइबल्स का इंक्लूजन हो सकता है इसमें, एट द सेम होना टाइम चाहिए. होना चाहिए. सिविल सोसाइटी का रोल रहेगा, एनजीओ का रोल रहेगा, लोकल जो कैरिंग कैपेसिटी है जो कैसे इंक्रीज करे, हार्वेस्ट. कैसे? बिल्कुल ठीक बात है. हाँ, बाकी पॉइंट्स तो वी हैव डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स वे वी कैन डिस्कस. मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं एक पीएसयू की बात करूं, जो पीएसयू कहती है कि हम तो वन हॉर्न राइनो को भी बचाने में मदद करते हैं, हम तो प्रोजेक्ट चीता में भी मदद करते हैं, हम डाइवर्स फ्लोरा फोना की मदद करते हैं, तो कौन सा एक पीएसयू आप लोगे? हम हाथी, वन हॉर्न राइनो, क्योंकि उनका काम भी होता है वहां पे उन रीजन्स में, तो कौन सा पीएसयू हो सकता है? IOCL हो सकता है, इंडियन ऑयल, वेरी गुड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, क्योंकि उसकी डिब्रूगढ़ रिफाइनरीज होती हैं और उसका वो होता है. रबर हाँ, हो सकता है. बिल्कुल सही बात है. तो पॉइंट ये है कि जैसे नर्मदा का भी है, तो उससे क्या होगा, लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट होगा, तो उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनेंगे. वो आपके आंसर्स में आना चाहिए. अभी आंसर्स के अंदर सरकारी जो आप लिखते हैं, वो आप अन सरकारी के साथ इनजस्टिस है, समझे? इनजस्टिस नहीं चलने देंगे, बहुत हो गया इनजस्टिस. मैंने वरना आपको बात बताया है अभी आराम से, कि क्रोध की सीमा जब पार हो जाती है ना, वो पोयम में कौन सी है मुझे याद नहीं आ रही, जब अंत समय आता है विनाश काल आ जाता है, बुद्धि पलट जाता है, पता नहीं पोयम है, मुझे भी ऐसा करके कुछ है. तो आई वुड आस्क यू, लाइक द इवन इफ द ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर और वार्मिंग इज कैप्ट अंडर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी बात होती है, रीजन्स नियर द इक्वेटर दे आर प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस इंक्रीज इन द हॉट नाइट्स. हॉट डे तो हमने सुना ही था, लेकिन प्रॉब्लम अब हॉट नाइट्स की भी आ गई है. तो हॉट डे की वजह से हॉट नाइट जब आती है, तो आप रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाते, आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो पाती, इस वजह से इस बार से डेथ भी हुई है. सो दैट इज व्हाई हाई टेम्परेचर इन द नाइट कैन हैव डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमंस एंड अदर स्पीसीज, नॉट एट द डे टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट. इट यस विल बी अफेक्टिंग हेल्थ, इट विल बी अफेक्टिंग बिहेवियर, इट विल बी अफेक्टिंग चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो ड्यूरिंग हाई नाइट टाइम टेम्परेचर्स, ह्यूमन का जो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है, वो बॉडी को ठंडा करने में
नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है। और सोने के टाइम पे भी आप जो है असल में अंदर से बॉडी जो है लड़ रही है, वो इसी में तो इलाज नहीं है इसका। तो अर्थिक जी क्या किया जाए, मतलब ये रैपिडली ग्रोइंग ट्रेंड है, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ डेज जो है मिनिमम नाइट टाइम जो हॉट है वो बढ़ रहा है, बताइए। सही, रिगार्डिंग अ सोल्यूशन देर हैज़ टू बी सेटिंग एन अ ब्रॉड सोल्यूशन दैट इज मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन क्रिएटिंग ऑफ द अर्बन स्पेस, जिसमें अर्बन फॉरेस्ट्री का बात होता है, सो दैट नाइट टाइम में ठंड रहे, 2 to 3 डिग्री कम रहे, एंड ओपन स्पेसेस होना चाहिए रादर एन कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग, एंड थर्ड वुड बी यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव टू एसी, क्योंकि ओवरऑल कलेक्टिव यूज ऑफ एसी ऑल्सो इंक्रीजेज द टेम्परेचर इन द नाइट, तो ऑल्टरनेटिव एसी इज कूलर एंड द सेम टाइम अभी टेक्नोलॉजी आ रहा है विद रिगार्डिंग टू वाटर कूलिंग, जो लेकिन बजट उसका कुछ ज़्यादा है, बिग इंस्टीट्यूशन में यूज होता है, लेकिन उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एटलीस्ट इन कंपनीज ऐसे। अगर मैं आपको बताऊं कि आप हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हैं और वो साइलेंट जोन है, साइलेंट जोन है, तो मतलब कि जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड होगा नॉइज लेवल का कितना होगा, कितना डेसिबल होना चाहिए? वेरी सर लेस देन 50 होना चाहिए, 53। गुड, अप्रिशिएट दैट। और अगर आप इंडस्ट्रियल जोन में जा रहे हैं तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 75 होना चाहिए सर। आई लाइक दैट, दैट्स फाइन। इंडिया की जो टॉप ड्रग फर्म्स हैं वो इस बात के फेवर में है कि इसके अगेंस्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो जन औषधि में ना सेल करे कि सेल करे, उनका स्टैंड क्या है औषिक जी? से बिग फर्म्स फोकस मच मोर ऑन R&D एंड अदर अदर एस्पेक्ट, तो प्रॉफिटेबिलिटी इशू ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड बाई सब्सिडाइजिंग दिस जन औषधि दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस कि दे आर इरोडिंग देयर प्रॉफिट वेल्यू, तो रादर देन दैट दे आर फोकसिंग मच ऑन ई फार्मेसी ऑनलाइन सेल। लेकिन विथ रिगार्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन जेनरिक मेडिसिन दैट कैन बी सोल्ड एज अ जन औषधि, दैट सिमिलर ब्लैंड सिमिलर केमिकल कंपोजिशन कैन बी गिवन टू द पब्लिक एट द सेम एफिकेसी। तो इसके लिए बॉडी, अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी बॉडी, उसका नाम क्या है? मानसी, औषध, करुणा, कोई भी बता सकते हैं? CDSCO सेंट्रल वेरी गुड, एंड सेंट्रल ड्रग प्राइसिंग स्टैंडर्ड कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन, और NPPI। एनपी, वेरी गुड। तो पॉइंट ये है कि कैसे आप क्या करेंगे, दो पॉइंट बताइए जिससे आप बताएंगे कि मैं लोगों के, यानी जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाइएस्ट यूज ऑफ ड्रग्स, वॉट इज वेरी वेरी क्रूशल टू द पेशेंट वेलबींग, दैट ड्रग शुड बी सब्सिडाइज एंड दैट ड्रग शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द NELM लिस्ट, नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, दैट शुड बी गिवन थ्रू जन औषधि। एट द सेम टाइम अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स कैन बी अवेलेबल इजिली अवेलेबल ऑनलाइन थ्रू ONDC लाइक ई फार्मेसी। तो तो डॉक्टर्स को भी जैसे हमने कहा है कि भाई ब्रांडेड नहीं, आप जेनरिक ही रिकमेंड कीजिए, तब आपका क्या कहना है? सर टू एस्पेक्ट इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिगार्ड टू जेनरिक क्वालिटी इशू सब स्टैंडर्ड इशू इज देयर, सो देर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज ए वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जेनरिक मेडिसिन इन MSME सेक्टर। एट द सेम टाइम देर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन और इवन ब्रांडिंग दैट कैन बी लिस्टेड ऑन एट द गवर्नमेंट साइट ओनली, दैट ओनली गिव दैट दे कैन ओनली प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ अ जेनरिक मेडिसिन, तो ऐसे ही सब कोई बना सकते हैं। The last questions to you is, like, I want to ask you, do you artificial जो कोरल रीफ्स होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या रोल है, और इंडिया में क्या ऐसा होता है कि हो सकता है कि क्या है? आर्टिफिशियल कोरल रीफ इज क्रिएटिकली क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर दैट अदर एलिमेंट, इट इज हैज बीन डन इन गुजरात कोस्ट बायोरैप जिसको अच्छा बोलते हैं, टू सेफ गार्ड द कोरल रीफ सिस्टम।
फ्रॉम ब्लीचिंग. आई थिंक इंडिया में चिल्का लेक में किया गया है सबसे पहले, मतलब चिल्का लेक में भी किया गया, गुजरात में भी किया गया होगा, बट चिल्का लेक में आई के एज फार एज आई रिमेम्बर वहां किया गया है। और उसका रोल क्या होगा, क्या करेगा आर्टिफिशियल रीफ, कोरल रीफ क्या नहीं कर सकता आशीष जी, बाकी जो ओरिजिनल कोरल रीफ कर सकता है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ क्या नहीं कर सकता। सर, आर्टिफिशियल कोरल रीफ एंड नॉर्मल चिल्का कोरल रीफ क्या डिफरेंसेस, ये सर चिल्का पॉलिप. लेक कोरल रेफ लीफ है, चिल्का लेक क्या कोरल रीफ लेक है? हाँ सर, नहीं है, चिल्का लेक कोरल रीफ रेंजेस लीक नहीं है। थोड़ा बहुत होगा उसके जो नजदीक में हो सकता है, पर जब में ऐसे यूरोप नहीं. लाइक ऐसा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं जल्दी से बताइए, कोरल रीफ क्या कर सकता है और क्या नहीं, बस इतना बता दीजिए। आर्टिफिशियल कोरल आर्टिफिशियल रीफ कैन नॉट बी इन रिलेशन, इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द पॉलिप जो करेक्ट, सर नॉर्मल. उनका हाँ सर्वाइवल ही क्वेश्चन में होगा क्योंकि वो नेचुरली उस एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो किए हैं, कितना आर्टिफिशियल कार्बन कार्बोनेट उनका आयन वहां पर है, पर या फिर आपका आर्टिफिशियल कोरल रीफ बाकी बॉडीज को तो हेल्प कर सकता है रिवाइव होने में, एक्वेटिक बॉडीज को शेल्टर और उनको एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम तो दे सकता है। यस सर, जी सर, फिर उसका अगर कार्बन सी वेड हो रिस्टोरेशन में गए, भी सी हेल्प करता ग्रास हो है। गए, एट द हाँ सेम टाइम फिशेस इनवर्टिब्रेट्स सब आ सकते. बिल्कुल, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू ओके, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू आशिक, पॉवर्टी नो लॉन्गर जस्ट बाई बर्थ, कमेंट। यस सर, पॉवर्टी बाय बर्थ इज वन एस्पेक्ट, अदर देन दैट लर्निंग पॉवर्टी इज देयर, फूड पॉवर्टी इज देयर, एंड अबव दैट पीरियड पॉवर्टी एज वेल एज पॉवर्टी इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो अलग अलग एस्पेक्ट है. क्लाइमेट चेंज की पॉवर्टी नहीं हो सकती आने वाले टाइम में, अभी नहीं हो रही यस, है। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस पॉवर्टी, तो और पॉवर्टी. उसको क्या कहेंगे जब आपको मान लो कोई एक बार 50 बार बताई जाए आप ठीक से करिए ठीक से करिए, और आदमी फिर भी ठीक से ना करे दैट और इज सदियों तक, लर्निंग पॉवर्टी. लर्निंग पॉवर्टी। तो लर्निंग पॉवर्टी कहते हैं, बड़ा आसान सा शब्द दिया आशीष जी ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका हार्दिक धन्यवाद, हम आपसे बात करते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर देयर काइंड पेशेंस एंड कीननेस टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर.